IVF एक तरह की साइंटिफिक टेक्निक है जो बच्चे बनाने में मदद करती है, और उसको हम यूट्रस में डाल करके कोशिश करते हैं कि इम्प्लांट हो जाए। पर IVF कभी भी 100% नहीं है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बेसिकली। अब क्या होती है कि किस किस पॉइंट पे हम मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करने की पॉइंट्स ये होती हैं कि IVF में क्या हो सकता है, सबसे फर्स्ट चीज़ है कि एग और स्पर्म मीन जिनसे भ्रूण बना है, जो बीज हुआ, तो एग और स्पर्म में जब प्रॉब्लम होगी वो अच्छे एम्ब्रियोज नहीं बनाएंगे, उसकी वजह से IVF फेल हो सकता है, फर्स्ट कॉज। सेकेंड कॉज ये है कि जहाँ हम डाल रहे हैं उसको, मीन्स आप अगर बीज एक डाल रहे हो सॉइल में तो सॉइल ही बंजर है, सॉइल बंजर है मीन्स यूट्रस में इम्प्लांटेशन की पावर नहीं है, इसीलिए रिकरेंट फेलियर हो रहा है, सेकेंड कॉज हो गया आपका यूट्रस। थर्ड पॉइंट हुआ, आप उसको एक पेड़ से कोरिलेट करो, थर्ड पॉइंट हुआ आप उस पेड़ को ग्रो करने के लिए क्या डालते हो, उसको आप देते हो रोज़ पानी देते हो, उसको खाद डालते हो, उसको सनरेज मिलते हैं, न्यूट्रिशन डालते हैं, तो सेम चीज़ यूट्रस के लिए है। वो क्या है, जो फीमेल की बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, जो उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो वो स्ट्रेस ले रही है, वो प्लस उसके जो मेडिकल कंडीशंस हैं और जो मेडिकेशंस वो खा रही है, ये सारे चीज़ें अगर वो टाइम पे कर रही है और सब कुछ नॉर्मल है तो वो भी एक कॉज है, अगर वो नहीं फॉलो कर रही है तो IVF फेल होने का। तो ये थ्री आप सोच लो मेजर कॉजेज़ हैं। फोर्थ कॉज है कि भाई कभी कभी लैब में भी स्नैग होता है, डॉक्टर्स में प्रॉब्लम है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट में प्रॉब्लम है, उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक तरफ से बात नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिफ्थ कॉज है कि नॉन कम्प्लायंट पेशेंट है, मींस पेशेंट ने कुछ बात ही नहीं सुनी, जो उसको फॉलो करने के लिए बोला गया वो नहीं सुनी। पर ये जो लास्ट के दो कॉजेज़ है ये बहुत कम होता है, बिकॉज कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके पेशेंट का IVF फेल हो, और कोई भी पेशेंट नहीं चाहता है कि मेरा IVF फेल हो, इसीलिए पेशेंट्स भी सारी कुछ टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं। तो अब हम एक एक करके कॉजेज पे आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर एग की प्रॉब्लम होती है तो अगर IVF फेल हो जाता है तो सेकेंड टाइम हम कोशिश करते हैं उस एग को स्ट्रेंथन करके, वर्कअप करके, फिर एग्स बनाने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के अंडे ही नहीं आते हैं, या अंडे आते हैं तो बहुत ख़राब क्वालिटी के एम्ब्रोज बनते हैं या एम्ब्रोज अरेस्ट हो जाते हैं लैब में। तो उस केस में भी ऐसा नहीं होता है कि सेकेंड टाइम फिर हम पेशेंट के एग से नहीं जाते हैं। ऐसे केसेस हमने भी किए हैं जब एम्प्टी फॉलिकल्स आए हैं या एम्ब्रोज अरेस्ट हुए हैं, लेकिन दोबारा जब पेशेंट के ही एग और स्पर्म से किया है तो वो आगे फिर से ग्रो किए हैं। तो उस केस में भी ज़रूरी है कि आप अपने IVF स्पेशलिस्ट से हार्ट टू हार्ट मींस ट्रस्ट लेवल पर टॉक होना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट को सच बताएं, और पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को खुले तौर पे खुले माइंड से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है। सेकंड स्पर्म में टेस्ट हम करके देखते हैं कि क्या स्पर्म का DNA ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं जब IVF फेल होता है। तो ये तो आपकी एम्ब्रियो को मजबूत करने की बात हो गई, और अगर हम एम्ब्रियोज मजबूत नहीं कर पाते हैं उस केस में पेशेंट को हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन मींस एक और किसी की सहायता, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, तो आप क्या करते हो, आपको ब्लड चढ़ता है तो आप थर्ड पार्टी किसी दूसरे की हेल्प ले रहे हो। तो सेम चीज़ IVF में होता है, थर्ड पार्टी मींस हम किसी और का एग लेते हैं या किसी और का स्पर्म लेते हैं। लेकिन ये चीज़ जब भी की जाती है हमेशा इस पे पेशेंट की प्रॉपर साइन ली जाती है, पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, हम ऐसे लैब में एम्ब्रियो और एग और स्पर्म की इस तरह से मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ क्योर होने का। सेकेंड पॉइंट पे बात आती है आपके यूट्रस की। अगर यूट्रस में बहुत बार प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेडिसिंस हैं, वो चेंज करने की कोशिश करते हैं हम, दूरबीन के द्वारा यूट्रस को रिकंस्ट्रक्ट करने की, फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं होता है सक्सेस तो हम पेशेंट को फिर सरोगेसी के लिए बोलते हैं। पर ये हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस दवा को हम खिला रहे हैं या हम हिस्टोस्कोपी कर रहे हैं तो इसमें आगे सक्सेस होगा कि नहीं। पर करने के बाद हम बेशक पेशेंट को बता सकते हैं हिस्टोस्कोपी करें या कुछ भी कि भाई अब तुम्हारा नहीं हो सकता, तुमको सरोगेट मदर लेनी पड़ेगी, मीन्स फिर से एक और हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। तो ये दो चीज़ें। थर्ड चीज़ें जो स्ट्रेस फैक्टर्स होती हैं वो हम पेशेंट को बोलते हैं उससे अवॉइड करें, मेडिकेशंस टाइम पे खाएं, और जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं बॉडी की, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, BP है, तो वो सब चीज़ें पहले क्योर करके करें। फोर्थ चीज़ें क्या है, पेशेंट को हमेशा पता करके कराना चाहिए IVF कि वो किस सेंटर पे करा रहा है, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, जो एम्ब्रियोलॉजी की टीम है वो प्रॉपर है कि नहीं, लोग वहाँ पे उस लैब का प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, सो दैट जो उनके बच्चे बन रहे हैं वहाँ पे भ्रूण निकल रहे हैं वो प्रॉपरली रखे जा रहे हैं कि नहीं, जो इंजेक्शंस उनको लग रहे हैं वो किसी काम के हैं कि नहीं, कि वो अंडे ग्रो कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज अगर आपके अंडे ही नहीं मजबूत होंगे तो एम्ब्रियोस किस तरह के बनेंगे। तो ये सब चीज़ें पेशेंट को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि पेशेंट अपना कहीं भी जाता है, कुछ भी चीज़ कराता है, आप अगर एक नॉर्मल शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप सारे ब्रांड्स ढूंढते हो, TV एक खरीदने जाते हो नॉर्मली, तो वैसे ही आपका ये काम होता है कि डॉक्टर्स के बारे में पता करो, उनकी लैब के बारे में पता करो, वो क्या कर रहे हैं उनके लिए पता करो। एंड लास्ट चीज़ होती है पेशेंट को कि आप स्ट्रेस नहीं लो, और जो भी चीज़ें आपके डॉक्टर ने आपको बोला है वो आप फॉलो करो।
तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो काफ़ी हद तक आपके फेलियर रेट्स कर्व हो जाते हैं। लेकिन IVF ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फुल प्रूफ है और 100% सक्सेस देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसको सिर्फ कर्व कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और कोशिश यही होती है कि किसी भी तरह से, मीन्स खुद से, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन लेकर के या तमाम सर्जरीज करके पेशेंट को प्रेग्नेंट किया जाए।